प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार के लिए अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी जो तैयारी थी वो सड़कों पर नजर आने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए एक तरफ जहां ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जहां पर हम मौजूद हैं एचएल एयरपोर्ट पर, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं। लोग यहां पीएम के स्वागत के लिए, पीएम को देखने के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। देखिये छोटे छोटे बच्चे भी हाथ में तिरंगा लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लेकर, चंद्रयान की फोटो लेकर यहां पर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहां पर पीएम अब से थोड़ी देर बाद आएंगे और पीएम यहां से सीधा इसरो कमांड सेंटर चले जाएंगे। इसरो कमांड सेंटर में प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले का जो माहौल है वो ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इसरो वैज्ञानिक से मिलने के लिए आ रहे हैं तो ये कितना बड़ा क्षण है, ये भारत के लिए कितना बड़ा क्षण है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। एक तरफ ये ढोल नगाड़ों की आवाज आप सुन रहे होंगे, बेंगलुरु की सड़कों पर आज जश्न का माहौल है क्योंकि जश्न बहुत बड़ा है, क्योंकि देश की जो कामयाबी है वो बहुत बड़ी है और ऐसे में प्रधानमंत्री यानी देश के जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे और वैज्ञानिकों के बीच में रहेंगे, उनसे जब मुलाकात करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेंगलुरु कितना तैयार है अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, अपने वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाने के लिए। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जिनके हाथों में तिरंगा है, ये तिरंगा लहरा रहा है और इस तिरंगे की जो शान है वो है हमारे इसरो के वैज्ञानिक, जिन्होंने वो करके दिखाया जो दुनिया का बड़ा से बड़ा देश करके नहीं दिखा पाया है। यहाँ पर ये जो जोश है, ये जोश बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री का स्वागत कैसे किया जा रहा है। कुछ लोग अगर यहाँ पर हमसे बात कर पाए, ये हिंदी आती है नहीं मैडम, कन्नड़। पीएम को देखने के लिए आए हैं? इधर मोदी देखने के आए हैं मैडम। मोदी के लिए, किसके लिए आए हैं यहाँ पर? मोदी के लिए। ये जो इसरो ने काम किया है इस पर बहुत खुशी हो रही है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कहाँ से आए भैया? भैया हम केयरपुरम बैंगलोर से आया है। सो वी वांट टू कंग्रेचुलेट मोदी सर एंड एवरी किड हैज वॉच्ड द यूट्यूब। So how is the soft landing has happened? So and many of my clients from USA and Italy, Europe say, mujhko phone karke congratulations bola hai. I want to pass on this information, congratulations to all ISRO team members. इसलिए हम इधर आया है। देखिए इसरो टीम मेंबर्स को बधाई देनी है, इसरो के साइंटिस्ट के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर ये बताना है कि आपने जो हासिल किया है, आपकी जो मेहनत है जिसकी वजह से देश का डंका बज रहा है, वो मेहनत कितनी बड़ी है। अब इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी खुशी आपको, हमको, इस पूरे देश को हो रही है, वो खुशी आज बेंगलुरु में झलक रही है। छोटे छोटे बच्चे हाथ में तिरंगा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर फोटो भी है। बेटे किसके लिए आए हो यहाँ पर? मैं नरेंद्र मोदी जी को देखने आए। नरेंद्र मोदी जी को देखने क्यों आए हैं? देखने कौन है वो? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, हम चंद्रमा पर पहुंच गए, पता है आपको ये? हाँ पता है। चंद्रयान 3 के बारे में पता है आपको? हाँ। तो क्यों आ रहे हैं पीएम, ये पता है? नहीं, ये नहीं पता। तो देखिए पीएम को देखने के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पहुंच रहे हैं और इस देश की उपलब्धि कितनी बड़ी है, ये छोटे मासूम बच्चे जो भविष्य है इस देश का, उन्हें भी पता है कि चंद्रयान 3 सफल हो चुका है। चंद्रयान 3 के लिए जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो चुका है। और कुछ लोग भी यहाँ पर है, हिंदी आती है? हाँ जी आती है। ये किस लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं आप लोग? जी वैसा तो इधर किस लिए खड़े हैं सबको पता है। पहले बार तो मेरा नाम श्याम सुंदर है, केयरपुरम क्षेत्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ और केयरपुरम के अब हमारा एमएलए जो है बैते बसवराज जी, उनके साथ काफी लोग इधर आ चुके हैं। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी देखने के लिए और उनको अभिनंदन करने के लिए भी हम लोग उत्सुक है। काफी बार तो प्रधानमंत्री को देख चुका है लेकिन फिर भी बार बार देखने का मन करता ही रहता है। और हमारा जो विज्ञानी है, अपना जो साइंटिस्ट है, उनके लिए सारे हमारा केयरपुरम क्षेत्र की तरफ से वैसे तो दुनिया पूरा उनको सैल्यूट कर रहा है और हमारे तरफ भी एक सैल्यूट करना चाहते हैं। और सच्चे दिल से केयरपुरम क्षेत्र का सारे कार्यकर्ता, हमारा जितना भी दोस्त है, भाई बंधु लगे, पूरा आदमी, उनको सच्चे दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आगे आने वाले मिशन में ऐसे ही इसी तरह से सक्सेसफुल होने के लिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ और सच्चे दिल से दुआ मांगता हूँ। मैं एक सर्विस मैन भी हूँ
जो फौज के साथ फौज में जो सर्विस करने के बाद इधर भी प्रजा सेवा। हर एक हिंदुस्तानी की कुछ इसी तरीके की आवाज़ है, हर एक हिंदुस्तानी ने दुआ की चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए, और जब वो दुआ कबूल हो गई, जब उस दुआ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि पूरा देश हमारे वैज्ञानिकों के साथ है, और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और इस देश की दुआएं जब एक साथ रंग लेकर आई तो चंद्रयान 3 पर भारत ने इतिहास रच दिया। एक बार फिर से मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे तस्वीरें, और देखिए यहाँ पर ढोल नगाड़ों की जो आवाज है वो भी आने लगी है। यहाँ पर जो विशेष प्रस्तुति है वो दी जाएगी। मेरे कैमरे की नजर से आप देख सकते हैं कि पीएम के स्वागत के लिए कितनी भव्य तैयारी की गई है, और ये स्वागत सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं है बल्कि ये अभिनंदन है हमारे देश के वैज्ञानिकों का, ये अभिनंदन है हमारे देश के उन वैज्ञानिकों का जिनके जरिए देश ने वो कीर्तिमान हासिल किया है, देश ने वो कीर्तिमान हासिल करके दुनिया के सामने अपना नाम रोशन किया है। ये उन वैज्ञानिकों का अभिनंदन है, और इस अभिनंदन में कैसे झूम रहे हैं लोग, कैसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं वो आप इन तस्वीरों को देखिए और घर बैठकर महसूस करिए। देखिए अभी सुबह सुबह का वक्त है, ऐसे वक्त में जब लोग अपने घरों से बाहर सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, जब अपने घरों में लोग सो रहे होते हैं, ऐसे वक्त में भी आप जोश जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है, और ये जोश बता रहा है कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक है, हमारे देश के जो वैज्ञानिक है उन्होंने किस तरीके से ये काम करके दिखाया है। इन तस्वीरों को देखिए और गर्व महसूस करिए, इस पल को आप महसूस करिए तो आपके समझ में ही आएगा कि कर्नाटक में, कर्नाटक के बेंगलुरु दुगना हो जाएगा, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए कर्नाटक के बेंगलुरु में इस वक्त हम मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे, उनके स्वागत के लिए तैयारियां विशेष कर ली गई हैं, और इन तैयारियों का एक रूप आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आसपास के रहने वाले लोग हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ विशेष प्रस्तुति के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, उनका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि देश के नाम एक ऐसी उपलब्धि जुड़ गई है जिसका जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है। अब सीधा चलेंगे, मेरे दोस्त सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंडिया टीवी आज आपको एक एक तस्वीर दिखाएगा, आपको रूबरू करवाएगा कि प्रधानमंत्री के दौरे के लिए क्या खास तैयारी की गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जी राघवन इस वक्त मौजूद है, और पवन नारा भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। राघवन, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? HAL एयरपोर्ट पर तो देखने को मिल रहा है कि जश्न की पूरी तैयारी है, बस पीएम का इंतजार किया जा रहा है, हाथों में तिरंगे लेकर लोग यहाँ पर मौजूद। प्राची, मैं आपकी आवाज तो शोर की वजह से समझ नहीं पा रहा हूँ आपका सवाल, लेकिन जो जोश है, जिस तरह का प्रधानमंत्री का जोश है, जिस तरह का जोश इसरो के वैज्ञानिकों का है, इस जो फीट है, इस जो असफलता हासिल की है उसको सेलिब्रेट करने में बेंगलुरु के लोगों का जोश भी कम नहीं है। आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं, आप देखिए किस तरह से ये ग्यालहल्ली क्रॉस है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर का जो रोड शो है प्रधानमंत्री का, उसकी शुरुआत होने वाली है, और आप यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग हाथों में तिरंगा लेकर पहुँचे हैं। जो लोक कलाकार हैं वो एक शानदार, एक सुंदर नृत्य की प्रस्तुति के साथ इस जो जगह को और इस माहौल को और ज़्यादा खुशनुमा बना रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर इस ट्रैक पीनिया है, जहाँ पर इसरो का मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर प्रधानमंत्री इसरो के वैज्ञानिकों से मिलेंगे। यहाँ पर आप हैं HAL एयरपोर्ट, वहाँ से लेकर ओल्ड एयरपोर्ट रोड, कबन रोड, राजभवन रोड, मेखरी सलकर, यशवंतपुर, यहाँ पर सब अब ट्रैफिक को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आपको पता है कि बेंगलोर जो है एक कंजेस्टेड सिटी है ट्रैफिक के लिहाज से, इसीलिए सारे ट्रैफिक के नियम कायदे भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। ये जो सड़क आपको यहाँ से नजर आ रही है, यहाँ से 1 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, उसके बाद वहाँ पर जो सिस्टम सर्कल है जहाँ पर हमारे सहयोगी पवन है, वहाँ पर वहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर इस ट्रैक पीनिया है, जहाँ पर प्रधानमंत्री इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। वाकई में ये जो मुलाकात है वो बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाली है। प्राची,
राघवन कुछ वैसे ही तस्वीरें आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये HCL एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहाँ पर विशेष प्रस्तुति दी जा रही है और विशेष प्रस्तुति के जरिए अपने वैज्ञानिकों को का अभिनंदन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत के लिए HCL एयरपोर्ट पर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। पवन के पास हम चल देते हैं। पवन, क्या तस्वीरें आपके पास हैं? किस तरीके से बेंगलुरु के लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? बिल्कुल प्राची, अगर तस्वीरों की बात करें तो मैं सिस्टम सर्कल पर हूं और यहीं से लगभग 100 मीटर आगे स्ट्रेक सेंटर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों से बात करेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।